आज फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के दोनों स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन और गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों आज सैमसंग ने आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G और गैलेक्सी एम थर्टीन 4G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं, जो दोस्तों अपने साथ बड़ी डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, दमदार बैटरी और शानदार न्यू डिजाइन एयर कैमरा सेटअप लेकर आता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। तो प्रचलित दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं कि आपको इस न्यू सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन में कौन कौन से नए फीचर्स देखने मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में एक 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 20H29 एस्पेक्ट रेशो 90Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3G प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वैसे दोस्तों अगर इस फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन मिलती तो ज्यादा बेहतर होता, मगर दोस्तों इस फोन में आप आराम से फुल HD में वीडियोस देख पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस न्यू सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन के रियर पैनल पर दिए गए कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में 50MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा और 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, जबकि आपको इस फोन के फ्रंट की तरफ वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर मिलता है, जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड वन UI 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें दोस्तों आप आराम से हैवी गेमिंग का भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक वेरिएंट में 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, जबकि दोस्तों इसके हायर वेरिएंट में 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस न्यू सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है, जो 15W 5000 के साथ में आता है, यानी दोस्तों इस फोन में आपको काफी लॉन्ग लाइफ बैटरी देखने को मिलती है, जो आपका काफी लंबे समय तक साथ निभाएगी। कनेक्टिविटी के लिए 4G 5G साइड माउंटेड के प्रोसेसर USB टाइप सी 3.5 के साथ ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस न्यू गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस रेंज के बारे में। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन के 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये देखने को मिलती है, जबकि दोस्तों इस फोन के हायर वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 15,999 रुपये रखी गई है। तो बस दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये न्यू सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टीन 5G स्मार्टफोन कैसा लगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।